द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम रॉय टेक्निकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। एक बार आप सभी का पुनः ऑनलाइन विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप अपने ऑनलाइन कक्षाओं को पूरी तरीके से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। जिस प्रकार की आपका रिस्पॉन्स चीजों को देखने को मिलता है, उस हिसाब से हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप अपने पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड हो। इसीलिए इसी प्रकार आप इंटरेस्ट बनाए रखिए। चैनल्स को, जितने भी चैनल्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब किया करिए। जो भी डाउट्स है उसको बिल्कुल निसंकोच पूछ लिया करिए आपके ही निर्धारित समय पे 3 और 5 के बीच में। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए। ऑनलाइन कक्षाओं को चलाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि ऑनलाइन कक्षाएं इसलिए संचालित की गई, भविष्य में जब कभी भी अगर इस तरीके की विषम परिस्थिति आती है तो ऑनलाइन कक्षा एक ऐसा कारगर सिद्ध है जिसमें आप घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रख सकते हो तथा जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमारा कंसल्टेशन के चलते आप बेहतर तरीके से कर पाते हो तथा एक ही टचमेंट होता है स्टूडेंट और टीचर्स का भी, जो की कनेक्टिविटी बनी रहती है तथा आपको हम भी यही प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको बिल्कुल क्लास जैसे फीलिंग हो, आपको लगे कि आप क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हो। इसीलिए टीचर्स अपना बेस्ट देने की आपको समय समय पर कोशिश करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में समाज कार्य थोड़ा थोड़ा करते रहिए। आज आपके हम बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट MSW सेकंड सेम से और आज आपका जो हम आपका सब्जेक्ट है वो है काउंसलिंग, परामर्शन। चूंकि परामर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका होना एक सामाजिक जीवन में, मनुष्य जीवन में पाया ही जाता है। जब कभी भी हम छोटे होते हैं हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ के उन डाउट्स को क्लियर करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे अपने डाउट्स को हम क्लियर करते हैं परामर्शन के थ्रू। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम परामर्शन के थ्रू सुलझाते और समझ पाते हैं। क्योंकि परामर्शन तो एक बहुमूल्य प्रक्रिया है आज के सामाजिक जीवन में भी, चाहे वह हमारा जीवन राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, परामर्शन के थ्रू हम किस टाइप से और किस जगह जगह पर परामर्शन की प्रक्रिया एक बहुमूल्य प्रक्रिया साबित हो रही है और किस प्रकार से परामर्शन की प्रक्रिया हर एक केंद्र में स्थापित हो रही है, या भी आपको सब्जेक्ट से बखूबी समझ में आ गया होगा। आज के समय में सोशल साइंस के जरिए भी परामर्शन की प्रक्रिया देखी जाती है। आज भी ऑनलाइन के जरिए परामर्शन की प्रक्रिया आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है ताकि आप चीजों को कारण संबंधी को छोड़ के बेहतर तरीके से अपने जीवन को सफल बनाते साथ में डाउट्स आप क्लियर करिए। आज यहाँ पे आपके सब्जेक्ट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं और आज आपका टॉपिक है क्लाइंट एज अ पर्सन। सबसे जरूरी होता है क्लाइंट। क्लाइंट का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, अक्सर जब हमारे मन में आता है कि क्लाइंट, क्लाइंट मतलब होता है पेशेंट। तो यहाँ पे आपको रोजर्स ने इस बात का पूरी तरीके से उल्लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति, वो जो क्लाइंट हो वो आपका पेशेंट नहीं है, वो एक ऐसा पर्सन है जो अपनी व्यथा को लेकर, अपनी समस्याओं के सामने को लेकर वो काउंसलर के पास आता है तथा उनकी समस्याओं को पूरा का पूरा निष्कर्ष निकालने के नाते एक उद्देश्य भी बनाता है कि काउंसलर उसकी समस्याओं को सुनेगा, बेहतर तरीके से समझेगा और निष्कर्ष निकालेगा। रोजर्स ने इस बात का पूरी तरीके से मत दिया है कि कोई भी पर्सन को केवल हम क्लाइंट नाम से संबोधन करेंगे वो हमारा क्लाइंट है, ना कि वो पेशेंट है। चूंकि पेशेंट को रोजर्स ने इस बात पर सहमत नहीं दिया है बात करने से, इस शब्द का प्रयोग हम काउंसलिंग में या फिर अदर चीजों में इसलिए नहीं कर पाएंगे। पेशेंट का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे जरूरी ये ख्याल आता है पेशेंट। पेशेंट मतलब होता है रोगी। अगर हम रोगी को पहले ही पेशेंट कह के पुकारेंगे कि आपका पेशेंट है, आपका नंबर है इस पेशेंट का, तो रोगी के मन में कहीं ना कहीं जो आत्मबल है, एक तो सबसे पहली बात जब वो कभी भी किसी काउंसलर के पास आता है बहुत हिम्मत करके आता है निश्चित उद्देश्य के साथ कि वो उसका पूरे के तरीके से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी उसका अपन पेशेंट कह के हो जाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मनोबल धीरे धीरे गिरना तरीके से कमजोर हो जाता है। तो इसी आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए और मनोबल उनका बना रहे, रोजर्स ने इस बात का पूरी तरीके से मत दिया है कि कोई भी क्लाइंट है ना कि आपका पेशेंट है। और सबसे जरूरी है कि कोई भी क्लाइंट, सबसे जरूरी नहीं है कि समाज में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है ये प्रॉब्लम हमारे और आपके साथ किसी भी समय और आगे आने वाले समय भविष्य में भी हो सकती है। अगर इसी तरह का बिहेवियर, निगेटिव बिहेवियर अगर हमारे और लोग हमारे साथ करेंगे तो निश्चित ही हमको मनोबल, हमारा आत्मविश्वास से पूरी तरीके से डगमगा जाएगा, जिसके कारण
बेहतर समाज स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रोजर्स ने इस बात का बहुत सहमति मत दिया है और रोजर्स के मत से हम कहीं ना कहीं एक काउंसलर पूरी तरीके से सहमत होता है कि जो क्लाइंट है वो आपका पर्सन है, वो भी एक मनुष्य है। जिस प्रकार सामाजिक जीवन को नॉर्मल लोगों को पूरी तरीके से जीवन जीने का अधिकार होता है, उसी प्रकार क्लाइंट भी एक मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है और उसको भी जीवन जीने का उतना ही अधिकार प्राप्त है। सबसे पहले तो वो हमारा क्लाइंट जो एक पर्सन होता है, सबसे जरूरी होता है जब हम किसी क्लाइंट से मिले तो सबसे जरूरी है उसकी सेल्फ इमेज, आत्म प्रतिभा। क्योंकि हर लोगों के पीछे कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, कोई बहुत अच्छा खाना बना लेता है, कोई बहुत अच्छे क्लोथ स्टिचिंग कर लेता है। मतलब एक बहुमूल्य प्रतिभा हम सबके अंदर छुपी होती है, केवल उसको जरूरत होती है निखारने की। और ऐसे लोग जो ऐसा काउंसलर के पास आते हैं तो ऐसे लोगों के बीच में एक बहुमूल्य प्रतिभा कि वो धनी होते हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत बहुमूल्य प्रतिभा छुपी होती है जो कि काउंसलिंग के माध्यम से उसमें आठ प्रतिभाओं को निखारेंगे। निखारने के साथ उनको हम ये याद दिलवाएंगे कि आपका भी उतना ही सोसाइटी पे इम्पोर्टेंट है जितना बाकी लोगों का है। आप भी अपने जीवन जीने का पूरा तरीके से सक्षम हो जितना बाकी लोग हैं। आपको भी पढ़ना लिखना गाना गाना डांस करना या सारी की सारी मनोरंजन के सारे साधन को प्राप्त करवाने के साथ साथ हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग में भी ले जाते हैं उनकी रुचियों के अनुसार। मतलब एक जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट के आत्म प्रतिभा को भी पूरी तरीके से निखारता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही प्रतिभा धनात्मक चीजों के साथ साथ एक सकारात्मक चीज भी काउंसलर के मन में लाती है तथा जो हमारा क्लाइंट होता है उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, वो चीजों को सही तरीके से करता है और बेहतर तरीके से कोशिश करता है। अब यहाँ पे जो हमारा थॉट होता है पॉजिटिव और निगेटिव, हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया में यह बार बार प्रोसेस आ जाती है कि जो हमारा क्लाइंट होता है उसमें दो प्रकार की चीजें होंगी, या तो पॉजिटिव और या तो निगेटिव। या तो वो सही थॉट रखेगा या तो वो गलत थॉट रखेगा और इसी के कारण से कहीं ना कहीं उसके मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। सबसे जरूरी है अगर एक क्लाइंट आपसे मिलने आता है सबसे पहले आप उसके विचार विमर्श करिए कि उसके मन में पॉजिटिव थॉट है या फिर निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसमें आपने सम्मान के साथ उसका आत्मचिंतन करिए, निगेटिव है तो उसकी निगेटिविटी को दूर करिए, उसको समझिए किस कारण की वजह से उसकी सोच है नकारात्मक चीजें हुई है। परिवार से बात करिए, परिवार से या बाकी लोगों से, जब तक आप उसको नकारात्मक चीजों को निकालेंगे तब वो बेहतर तरीके से अपनी जो एक जो सेल्फ इमेज है वो पूरी तरीके से कर पाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल इमेज की। क्योंकि जो हमारा समाज होता है, समाज में एक नहीं कई प्रकार के अनेक मनुष्य रहते हैं, कई सारे मनुष्यों से मिलकर एक समाज स्थापित होता है, तो मनुष्यों के साथ उनकी सोच भी कई प्रकार की रहती है। जरूरी नहीं है जिस प्रकार एक काउंसलर अपने क्लाइंट को भावनात्मक दृष्टि से देखता है उसी प्रकार उसके परिवार वाले अन्य जन भी देखते हैं। हमेशा रोजर्स ने अपने मत पर कहा है ऐसे रोगी जो होते हैं वो चूंकि उनका मनोबल कम होता है और परिवार वाले उनके पूरी तरीके से समर्थन नहीं कर पाते हैं जिनके कारण उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो हमारी एक यहाँ पे सोशल इमेज है, जो हमारी सामाजिक जो छवि है उसको हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसे लोगों को आत्मबल के साथ एक भावनात्मक के साथ प्यार भी देना चाहिए तथा उनको बताना चाहिए कि हम सब जैसे भी आप भी एक बेहतर मनुष्य हो और आप भी आपके समाज का एक बेहतर हिस्सा हो। बिहेवियर, सबसे पहले जो हमारा व्यवहार है हमेशा रोगी के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर वो अपने व्यवहार को हमेशा भावनात्मक तरीके से सजानात्मक रखें तो रोगी को जो हमारा क्लाइंट है उसको अपनी चीजों को कारण संबंधी चीजों को कहने के लिए पूरी तरीके से नई चीजें होंगी, वो बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर पाएगा तथा वे अपनी बातों को बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसीलिए सबसे जरूरी होता है हमारे बात करने का तरीका। अगर हमारा व्यवहार सही रहेगा, हमारा सकारात्मक चीजें रहेंगी, वो चीजें हमारे लिए अपने आप बेहतर साबित होंगी। अब हम बात कर रहे हैं पर्सन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक पर्सन ही होता है, वो क्लाइंट भी होता है और एक वो काउंसलर भी होता है। तो हमेशा हर लोगों को इन चीजों का बेहतर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन अगर रोगी सबसे पहले होता है मनुष्य, और मनुष्य के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, परिवार समाज और बाकी चीजें। हमारा दायित्व बनता है कि हम चीजों को समझें, बेहतर तरीके से स्थापित करें और एक ऐसा समाज जैसे परिवार
में लिखा है, समाज में लिखा है, जहाँ की इस तरीके की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से निष्कर्ष निकाला जाए। चूंकि कभी भी अपने क्लाइंट को रोजर्स के मत के अनुसार वो आपका रोगी नहीं है, वो आपका केवल क्लाइंट है, वो एक मनुष्य जो केवल कुछ कारणों की वजह से थोड़ा उसको डाउट्स है वो क्लियर करने आया है। और जब तक एक काउंसलर एक बेहतर तरीके से अपना व्यवहार और एक आत्म प्रतिभा और जो आत्म छवि समाज में जो निर्मित हुई है वो नहीं बना पाएगा, रोगी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार काउंसलिंग में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि काउंसलिंग में यह काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको हर एक क्लाइंट को हर एक काउंसलर को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस प्रकार डॉक्टर जब फीवर आने पर कई प्रकार से ट्रीटमेंट करता है और फीवर के सिम्टम्स को जानता है कि फीवर किन कारणों से आया है, एक्चुअल फीवर में क्या है, टाइफाइड है, मलेरिया है, फिर अदर वायरल फीवर है, तो तभी पता चल पाएगा जब हम उसके कारण संबंधी चीजों की जांच करेंगे। इसी प्रकार काउंसलिंग में भी के जरिए हम एक कारण संबंधी चीजों की जाँच करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम जो भी हमारे निगेटिव सोशल इमेजेस को दूर करके इस बेहतर इमेज को स्थापित करते हैं। उम्मीद है आज आपको काउंसलिंग के लेक्चर पसंद आए होंगे। जो भी डाउट्स है आप ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से क्लियर करिएगा और तथा अपने इसी प्रकार सब्सक्राइब और फॉलोवर्स को बढ़ाइए। लोगों को अगर मैसेज करने करिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि यह चीजें ऑनलाइन कक्षाएं आपके हित के लिए जनहित में छात्रों को जारी रखने के लिए की गई है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरीके से फॉलो करिए। कल हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए।